Welcome my students, in this video lecture we will discuss what are the rules of debit and credit. Very fundamental, very important concepts of account. लगभग सारी अकाउंटिंग की शुरुआत यहाँ से होती है और डेबिट और क्रेडिट 70% टाइम आपको यही करना होता है, कब किसको डेबिट करना है, कब किसको क्रेडिट करना है. अक्सर मुझसे क्लास में बच्चे पूछे, सर ये डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है. डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं होता है. कोई भी चीज कब बढ़ रही है, कब घट रही है, इसका क्वालिफिकेशन है डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे. अभी हम ये नहीं कह पाएंगे कि क्या बढ़ और क्या घट रहा है, क्योंकि इनके नियम बदल जाते हैं परिस्थिति पर. बिजनेस ट्रांजेक्शन की बेसिस पर कोई एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट हो जाएगा. ये कोडिफिकेशन है. हम जब अकाउंट बुक्स को देखेंगे तो इतना ही लिखेगा परचेज डेबिटेड. हमें इसका इंटरप्रेट क्या करना है, हमें इसका इंटरप्रिटेशन ये करना है कि ट्रेडिंग गुड्स खरीदा गया है. अगर कोई क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब है हमने उससे उधार माल खरीदा है. डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं होता है. ये कोडिफिकेशन है दैट हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड अ बिजनेस ट्रांजेक्शन. अब सबसे पहले किसको डेबिट और क्रेडिट किया जाता है. जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के हेड्स हैं, परचेज, सेल्स, कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, ये जितने भी हेड्स हैं इनको अकाउंटिंग की भाषा में अकाउंट कहते हैं. इट इज रिफर्ड एज अकाउंट. जितने भी ट्रांजैक्शन अभी तक हमने आपको टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है क्लास में, उन सारे टर्म्स को लेकर के जो हेड्स हैं, जिसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन करना है, ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करना है, जिसके अंडर में ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करना है, उसको कहते हैं हम अकाउंट. ये अकाउंट प्राइमरली दो तरीके के होते हैं. एक पर्सनल अकाउंट होता है और दूसरी टाइप के नॉन पर्सनल अकाउंट्स कहलाते हैं. नॉन पर्सनल अकाउंट फर्दर बढ़ता है दो भागों में, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट में. बारी बारी से इसको समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले पर्सनल अकाउंट आता है. कौन है पर्सनल अकाउंट? जहां कोई पर्सन इन्वॉल्व है वो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं. ये तीन तरीके के हो सकते हैं. वन माइट बी नेचुरल पर्सन, हमारी और तुम्हारी तरह जीवित व्यक्ति जिससे हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ले रहे हैं या दे रहे हैं. राम, श्याम, कोई भी इनका नाम हो सकता है. डिकोस्टा हो सकता है, स्माइल हो सकता है, कोई नाम आप रख सकते हैं. नेचुरल पर्सन मीन्स राम एंड श्याम जिनसे आप लेन देन कर रहे हैं. देन नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन मैंने आपको बताया जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं. देन एक जनरल प्राइवेट लिमिटेड, रीजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इन्फोसिस, कोका कोला, पेप्सी इनकॉर्पोरेशन. आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि फर्म का नाम आ रहा है. जब भी आप किसी फर्म से लेन देन कर रहे हैं देन इट इज रिफर्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन्स. देन थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंट करता है. अब की बार ना कोई आर्टिफिशियल पर्सन होगा ना ही कोई नेचुरल पर्सन होगा. हेड का नाम भी में भी पर्सन नहीं आएगा, लेकिन ये किसी व्यक्ति विशेष को इंगित कर रहे होंगे. जैसे अगर हम ओनर से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उससे पैसे ले रहे हैं तो कैपिटल है. फर ओनर फर्म से पैसे निकाल रहा है तो ड्रॉइंग्स है. कैपिटल इंगित कर रहा है कि ये पैसा ओनर द्वारा फर्म में लगाया गया है बिजनेस बढ़ाने के लिए. ये तीनों तरीके के अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं. और अगर पर्सनल अकाउंट हो गया तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. हमने मिस्टर एक्स से गुड्स खरीदा उधार, हमने खरीदा, ये तो परचेजेस का मसला है. भेजने वाला कौन है? भेजने वाले मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स को गिवर हो जाए. थोड़ी देर बाद मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई हमसे, हमको पैसे भेज रहे हैं. मिस्टर वाई ने हमको कैश पेमेंट किया है, हमारे पास कैश आया, ये तो एक अनदर इशू है. भेजने वाला कौन है? भेजने वाला मिस्टर वाई है. क्रेडिट द गिवर. अगर हम किसी को दे रहे हैं या कोई और दे रहा है जो रिसीव कर रहा है, हमने मिस्टर डिकोस्टा को 5,000 रुपए का माल बेचा उधार, तो रिसीव कौन कर रहा है? मिस्टर डिकोस्टा. मिस्टर डिकोस्टा विल बी डेबिटेड. डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ये फिलॉसफी है पर्सनल अकाउंट की. पर्सनल अकाउंट के बाद नॉन पर्सनल अकाउंट आ जाते हैं. नॉन पर्सनल अकाउंट को फर्दर दो भागों में बांटा जाता है. वन इट इस टाइप इज नॉमिनल अकाउंट, एनदर इज रियल अकाउंट.
नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम्स, वो सारे पेमेंट्स जो हो चुके हैं या किए जाने हैं और जो रिकरिंग इन नेचर हैं, बार बार करे जाने हैं और जिससे किसी प्रकार का एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है, दीज आर रिकॉर्ड एज एक्सपेंसेस। परचेज किया है, कैरेज इनवर्ट पे किया है, सैलरी पे की है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, प्रिंटिंग स्टेशनरी खरीद करके लाए हैं, ये जितनी भी चीजें हैं दीज आर रिपीटेटिव इन नेचर, एज दे आर रिपीटेटिव इन नेचर दे आर एक्सपेंसेस। ये तो हम दे रहे थे, हम अगर कुछ प्राप्त कर रहे हैं इनकम और वो रिपीटेटिव इन नेचर है और वो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही, तीन बातें ध्यान दीजिए, हम कुछ रिसीव कर रहे हैं वो रिपीटेटिव इन नेचर है और वो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही, तो वो इनकम हम गुड सेल कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, रॉयल्टी रिसीव कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं, दीज ऑल आर योर इनकम्स। ये आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, आपको सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम्स याद आ जाएंगी। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस होंगे जितने भी लॉसेस होंगे उन सबको हम क्या करेंगे, डेबिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितनी भी इनकम हो रही है वो सारी पे सारी क्रेडिट की जाएंगे। आई रिपीट अगेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट इज रियल अकाउंट, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं या तो वो ओनर से रिलेटेड होगा, किसी व्यक्ति से रिलेटेड होगा, वो या तो एक्सपेंस होगा या इनकम होगा, आखिर में दो चीज बचती है, वो एसेट्स होंगे और या लाइबिलिटीज होंगे। एसेट्स करेंट एसेट एज वेल एज फिक्स्ड एसेट, एनीथिंग व्हाट द फर्म हैज, एनीथिंग व्हाट फर्म विल रिसीव, एनीथिंग व्हाट फर्म हैज प्रीपेड, तीन बातें, व्हाट इट हैज, व्हाट इट विल रिसीव, व्हाट इट हैज प्रीपेड, ये तीनों चीजें जो आती हैं वो एसेट कहलाती हैं। लाइबिलिटीज, फिर वही करंट लाइबिलिटीज और फिक्स लाइबिलिटीज, एनीथिंग व्हाट फर्म हैज टू पे और इट ओज, एनीथिंग व्हाट फर्म हैज टू पे और इट ओज आर रिफर्ड एज लाइबिलिटीज। इनका रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है, इनका रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये तीन गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहलाते हैं। पर्सनल अकाउंट के लिए हो गया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट के लिए हो गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। और रियल अकाउंट के लिए हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन विश्वास मानिए, इस तरीके से ये रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट नहीं, बट आप एक बार स्नैपशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप इतने में आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा, ये आपको समझने के लिए यह ठीक है। ज्यादातर जब भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग इसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग बुक्स ये कहती हैं कि दीज आर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन अगर इस कंसेप्ट के आधार पर हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। पहले तो आप हेड समझें, हेड समझने के बाद आप ये समझें कि ये पर्सनल अकाउंट का है, रियल अकाउंट का है, नॉमिनल अकाउंट का है। फिर उसके बाद आप रूल याद करें कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर था, नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स है, रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। ये थ्योरी में अब जो बताने जा रहे हैं वो थ्योरी में के आंसर में आप कभी भी नहीं लिखेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल लगाने की ये बेसिस बन जाती है। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर हुआ है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर हुआ है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन चार चीजों को रिजल्ट देता है। वो या तो एक्सपेंस होगा, या फिर वो इनकम होगी, या फिर कोई एसेट आ जा रहा होगा, या फिर कोई लायबिलिटी आ जा रही होगी। एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट किए जाते हैं, एक्सपेंसेस अगर घटते हैं तो वो क्रेडिट किए जाते हैं। बस सिंपल समझिए, हमने परचेज किया डेबिट कर दो, परचेज अगर किसी तरीके से रिड्यूस हो रहा है, परचेज रिटर्न के जरिए हम परचेज किया डेबिट कर दिया, परचेज रिटर्न किया एक्सपेंस कम हो गया, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इनकम्स अगर बढ़ रही है तो अपोजिट, क्रेडिट कर दीजिए, इनकम अगर घट रही है तो डेबिट। इनकम का बिहेवियर एक्सपेंस के ठीक अपोजिट होता है, एक्सपेंसेस जा रहे हैं इनकम आ रही है, उल्टा है, उल्टा है तो रूल भी पलट गया, एक्सपेंसेस बढ़ रहे तो डेबिट हो रहा है, इनकम बढ़ रही तो क्रेडिट हो रहा है, एक्सपेंस अगर घट रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, इनकम अगर घट रही है तो डेबिट हो रहा है। एसेट का रूल वही है जो एक्सपेंस का है, अगर आप बढ़ रहा है तो डेबिट कर दीजिए, अगर घट रहा है तो क्रेडिट कर दीजिए। बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर है जैसा एक्सपेंस का है।
देख लीजिए एक्सपेंस का जो रूल है बिल्कुल वही रूल आपके एसेट पर जा रहा है, और लायबिलिटी का बिहेवियर वही होता है जो इनकम का होता है। तो याद करना बड़ा आसान हो जाएगा इसको। देख लीजिए इनकम का जो रूल लगाया है वही आपका लायबिलिटी का रूल लग रहा है, राइट। तो स्टूडेंट्स जब आपको ट्रांजैक्शंस दिए जाएंगे तो इससे आसान काफी हो जाता है। पहली बात तो इसको याद करना बड़ा आसान है, ठीक है ना। जो एसेट पे एक्सपेंस पे एप्लीकेबल है वही एसेट पे एप्लीकेबल है, जो इनकम पे एप्लीकेबल है वही लायबिलिटी पे एप्लीकेबल है। हकीकत में आप खाली एक्सपेंस को याद कर लीजिए, बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्सपेंस का जो है उसका उल्टा इनकम पर, एक्सपेंस पे जो है वो एसेट पर, एक्सपेंस पे है जो उसका उल्टा लायबिलिटी पर। बस आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको टर्म देखते ही, टर्म पढ़ते ही ये समझ में आ जाना चाहिए वेदर दैट बिजनेस ट्रांजैक्शन और दैट अकाउंट इज योर एक्सपेंस इनकम एसेट और लायबिलिटी। जनरल एंट्री ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद जनरल एंट्री करते वक्त ये रूल हमें बहुत सहायता देते हैं। तीन स्टेप्स करने पड़ते हैं। हम पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद उसके बाद एनालाइज करेंगे उस बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो से ज्यादा, अगर तीन है तो तीन हेड्स कौन कौन से हैं। रिलेटेड आस्पेक्ट, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज किया, ये परचेज है, हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है, दो आस्पेक्ट हैं। हमने गुड्स सेल किया फॉर कैश, गुड सेल्स किया ये हमारी इनकम है, कैश हमारे पास आ रहा है, ये दूसरा आस्पेक्ट है। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो आस्पेक्ट होंगे और वो दो आस्पेक्ट इन चारों में से ही होंगे। हमने मिस्टर एक्स से उधार माल खरीदा, परचेज किया, मिस्टर एक्स को पैसे देने हैं, क्रेडिटर बन गए, मिस्टर एक्स हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी। परचेज बढ़ा, डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी बढ़ी, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। अगला वीडियो लेक्चर में हम लगभग 10-11 ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करेंगे जो अभी पोस्ट किया जाएगा कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस में चार दो आस्पेक्ट कैसे ढूंढते हैं, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, और बढ़ने और घटने के बाद वो किस तरीके से डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा। अभी जनरल एंट्री नहीं समझाऊंगा, जब वो एनालिसिस आ जाएगी, एनालिसिस करना आपको आ जाएगा, उसके बाद आपको जनरल एंट्री का फॉर्मेट बताया जाएगा। ये वीडियो लेक्चर दो भागों में बटा था, पहले मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बताए थे, आई रिपीट अगेन वो थ्योरी के लिए हैं। जब यूनिवर्सिटी से पूछा जाए व्हाट आर रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो तो उसका डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ये डिस्क्राइब करेंगे तो नंबर कट जाएंगे। लेकिन जब आपको ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे और कहा जाएगा जनरलाइज कीजिए, तो फिर आपको ये पूरी तरीके से हेल्पफुल रहेगा और ये आपको सॉल्व कर देगा। इसका अगला वीडियो लेक्चर इस बात पर आएगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट कौन से हैं, वो कब बढ़ रहे हैं कब घट रहे हैं, और उनको किस तरीके से जनरलाइज किया जाएगा। मैं एक मिनट को हट जाता हूँ, आप स्नैपशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स बनाने के काम में आएगा। आई रिपीट स्टूडेंट्स, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको वीडियो लेक्चर समझने में आ रही है, कोई क्रॉस क्वेश्चन है, आप मेरी ईमेल आईडी पर क्वेश्चन पोस्ट करेंगे तो आपको जवाब एक या दो दिन में जरूर मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ, गुड डे।